डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का तीनों सेट लगभग जो है तैयार हो चुका होगा, सेट वन, सेट टू एंड सेट थ्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अब देखने के बाद काफ़ी आसान लग रहा होगा। और प्रैक्टिस, आशा करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हम लोग जो हैं अब सब्जेक्टिव के बारे बात करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव में दिख रहा है हम लोग का कि जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक मार्क्स के हैं, एक मार्क्स के, और इसमें से क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन है, ये तीन पार्ट में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इसमें से बोला गया है क्या चीज़ कि सेक्शन ए में जो है 7 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एनी 5 क्वेश्चन को बनाना है, और ईच क्वेश्चन फ्रॉम द दिस सेक्शन इज ऑफ 1 मार्क्स। हम लोग का प्रत्येक का जो है यहाँ पे हम लोग का ईच क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज ऑफ 1 मार्क्स, और ये जो है हम लोग का क्या बोला गया है कि सभी जो है हम लोग का 1 मार्क्स का है ना। तो हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, डिफाइन शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा नंबर में व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, तीसरा में डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद फोर्थ में पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द टर्म सेल कॉन्स्टेंट, उसके बाद फिफ्थ में व्हाट आर एडजॉर्बेंट, ये डिफाइन कैल्सिनेशन, व्हाट इज लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो हैं ये जो है सॉलिड स्टेट से है, ये सॉल्यूशन से है, ये भी सॉल्यूशन से है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ये सरफेस केमिस्ट्री से, ये हम लोग का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ हम लोग का एलिमेंट से है, और ये लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन जो डी एंड ए ब्लॉक से है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सभी चैप्टर से एक एक मार्क्स पूछा गया है, तो इसका हम लोग बारी बारी से आइए देखते हैं इसका आंसर को क्या होता है। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, हम लोग का शॉर्ट की डिफेक्ट, क्या है हम लोग का शॉर्ट की डिफेक्ट। अब शॉर्ट की डिफेक्ट क्या बोलता है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्या बोलता है कि व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, या इसी को बोलते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है वो मिसिंग हो रहा है, कहाँ से, ओरिजिनल साइट से। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम लोग का क्या हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड, और ये जो AgBr है स्पेशल इसलिए लिखे हैं कि ये जो है हम लोग का शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, यहाँ पे दोनों। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट इस टाइप से हम लोग का कैटायन एनायन रहेगा, और कैटायन एनायन इस टाइप से रहेगा, इसमें से हम लोग का क्या करते हैं, ये जो है जब कैटायन और एनायन इस टाइप से रहेगा हम लोग का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बोलेंगे हम लोग का नेगेटिव, फिर से हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे इस पोजीशन में हम लोग का नेगेटिव हो गया, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, और इस पोजीशन में हम लोग का एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ये एनायन हो गया और ये कैटायन हो गया, जब रिमूव होगा अपने प्लेसेस से, तो ऐसे को ही हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग का बोला गया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट का जो है वो नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट के बराबर। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि देर आर वेरी, यहाँ पे हम लोग का बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, उसमें से जिस कंपोनेंट का अगर मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है ए का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए ऊपर मिलेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी, अगर सी रहता तो सी, डी रहता तो डी, इस टाइप से। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का लेंगे तो नंबर ऑफ मोल जो है बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी करेंगे, ठीक ना। और इसको डिनोटेट क्या चीज़ से करते हैं माय डियर स्टूडेंट, काई से, CHI, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का थर्ड पॉइंट, थर्ड में हम लोग का क्या है, यहाँ पे थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या चीज़, पार्ट्स पर मिलियन, क्या है हम लोग का, पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये बोलता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 10^6, है ना, 10^6 पार्ट ऑफ, यहाँ पे ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, है ना,
ऑफ सॉल्यूशन 10^6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं ppm। ppm को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट कि अगर सॉलिड रहता तो ppm क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10^6 मास ऑफ सॉल्यूट, जब ग्राम में रहेगा तब, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। और यही लिक्विड में रहता है तो हम लोग बोलते हैं ppm इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 10^6 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आता है हम लोग का सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ पर यूनिट एरिया। यहाँ पे लेंथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया हम लोग बोलेंगे कि रेशियो ऑफ लेंथ पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग क्या चीज़ से जी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई ए। इसलिए यहाँ पे जब यूनिट अगर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आया था यूनिट, यूनिट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यहाँ पे लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर या मीटर, और यहाँ पे एरिया का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। आगे हम लोग का क्या है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये एक ऐसा सरफेस है जिसपे एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया हम लोग का होता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन हम लोग का बाहरी सतह पे, बाहरी सतह पे सिर्फ हो, अंदरूनी सतह पे जो है अब्जॉर्ब ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए माय डियर स्टूडेंट, ये जो लिखे हैं ये बाहरी सतह पे है, है ना, ये बाहरी सतह पे, जैसे हम लोग का यहाँ पे इसको लिखें और फिर से मिटा दिए, तो ये हम लोग का क्या हो गया बाहरी सतह, क्या हो गया बाहरी सतह। तो ये प्रक्रिया जब हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट जो है, यहाँ पे एडजॉर्बेंट एक वर्ड आता है, एक एडजॉर्बेंट जो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये हम लोग का एडजॉर्बेंट हो गया, और इसके सतह पे जब लिख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे क्या आता है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे ये जो है हम लोग का कैल्सिनेशन, क्या है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन किसको बोलेंगे, यहाँ पे कैल्सिनेशन हम लोग बोलते हैं सिंपल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर मतलब CO3, ठीक है, इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग, हीटिंग स्ट्रॉन्गली हम लोग हीटिंग करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, हम लोग का हवा की अनुपस्थिति में जब हम लोग कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं गर्म करते हैं और ये ऑक्साइड में चेंज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कभी कभी पूछ देता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में अंतर क्या होता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में अंतर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जांपल में CaCO3 को यहाँ पे हम लोग हीट कर दिए, अब्सेंस ऑफ क्या है एयर, तो ये क्या हो जाएगा CaO और CO2 में चेंज हो जाएगा। ऐसा ही जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे हीट करेंगे तो ZnO और CO2 में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो डी एंड ए ब्लॉक का है, यहाँ पे सिंपल क्या बोलता है कि द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट, हम लोग लेफ्ट से राइट इधर से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग का धीरे धीरे क्या होता है ये एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F के कारण। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हम लोग का क्या है 4, ये जो है हम लोग का इस टाइप से जो है यहाँ पे सेलों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सेलों की संख्या 6 हो जाएगा। अब सेलों की संख्या 6 हो जाएगा तो जैसे जैसे हम लोग का लेफ्ट टू राइट जाएगा, यहाँ पे जो है हम लोग का सेंटर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, और जब अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा तो इसका जो है हम लोग का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा ये डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ संकुचन होना। नेक्स्ट है हम लोग का क्या 8 नंबर में है मोलारिटी, और मोलारिटी में क्या हम लोग का मोलारिटी क्या होता है और मोलारिटी क्या होता है। तो मोलारिटी सबसे पहले देखते हैं कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, ये कैपिटल एम से, जो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग को ऐसा करना है, जैसे यहाँ पे नोट्स लिखा जा रहा है वैसे ही एग्जाम में लिख के ऐसे घेर देना है ताकि आप लोग का मार्क्स जो है अच्छा से अच्छा आ पाए। ठीक है, अब आता है हम लोग का क्या, ये जो है याद रखना है कि मोलरिटी जो होता है वो हम लोग का वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन जो है वो हम लोग का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मोलरिटी हम लोग का क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चूँकि यहाँ पे वॉल्यूम है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम वैसे वैसे घटेगा, तो वॉल्यूम अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी बढ़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का इसी में देखते हैं मोलालिटी क्या है, हम लोग का मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये डिजोल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे इसको कैचे से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल स्मॉल एम से, और स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसका यूनिट अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। और मोलालिटी का क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर। आगे है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्शन क्या होता है, ये जो होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक क्या है, कंडक्शन। अब इसको हम लोग कापा से डिनोट करते हैं, क्या चीज़ से, कापा से, और कापा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 1/ρ। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछता है कि कापा का जो यूनिट क्या होगा, तो कापा इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम, और ये सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पर ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर ओम, और पर ओम, और ये हो गया पर सेंटीमीटर, पर ओम को हम लोग महो भी बोल सकते हैं, महो सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 10 नंबर में क्या, कि फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, ये होता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, जो कैथोड और एनोड पे हो सकता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सर्किट। मतलब जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग डिपॉजिट करेंगे कोई भी इलेक्ट्रोड में, चाहे कैथोड हो या एनोड, तो वैसा स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा, वैसा स्थिति में हम लोग का क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज का, और यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, W इज इक्वल टू Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये W इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड क्यू, क्या हो जाएगा, जेड क्यू, और जेड क्या है हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कोई पूछ देगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, E/F, क्या बोलेंगे, E/F, E क्या है इक्विवेलेंट मास, और F क्या है फराडे कॉन्स्टेंट। यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ZIT। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वेन द सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, वेन द सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, द मास ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, W जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे फराडे कॉन्स्टेंट, फराडे कॉन्स्टेंट क्या होता है, फराडे कॉन्स्टेंट पूछा है, तो इट इज इक्वल टू 1 mole of 1 electron, दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं, 1 mole को कितना, 6.022 × 10⁻²³, और यहाँ पे 1.6 × 10⁻¹⁹, जिसको हम लोग मेजर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 96500 कूलम के बराबर आएगा। नेक्स्ट है 11 में हम लोग का लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, लायोफिलिक क्या होता है, तो इट इज वाटर लविंग, और ये क्या होता है, वाटर हेटिंग, ये रिवर्जिबल होता है और ये इरिवर्जिबल होता है, ये स्टेबिलिटी होता है मोर स्टेबिलिटी में, और ये स्टेबिलिटी जो कि लेस स्टेबल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, और पार्टिकल कैन नॉट बाय सीन, यहाँ पे कैन नॉट बाय सीन माइक्रोस्कोप, और इसमें हम लोग का कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग का ये जो है सब्जेक्टिव का इतना ही हम लोग करते हैं, बिकॉज हमारा जो है वीडियो लॉन्ग हो जाता है, जिस कारण से हम इसको धीरे धीरे आप लोग को
ये पेश करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे, ये नोट्स अच्छा लगे, तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।